दोस्तों स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल के इंटीरियर पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक 10x12x15 के ड्राइंग रूम के बारे में, जिसमें हमने फुल पूरे रूम में PVC पैनल को इंस्टॉल किया है। ऊपर हमने सीलिंग का डिजाइन बहुत ही अच्छा डिजाइन बनाया है और नीचे हमने दीवारों पर पैनल लगाया है। तो सबसे पहले हम सीलिंग की बात करें तो सबसे पहले हमने जो बॉर्डर है वो 15 इंच की चौड़ाई में और 3 इंच डाउन किया है। तो ये पूरा का पूरा चारों साइड से हमने बॉर्डर को डाउन किया है। उसके बाद जो बेस पैनल था वो हमने व्हाइट कलर का लगाया है पूरे का पूरा, और उसके बाद 15 इंच का गैप छोड़कर दोबारा से फिर हमने इसको 15 इंच डाउन किया है डार्क कलर से। तो वैसे हमने 3 स्टेप में इसको अप डाउन किया है। और जो पंखे का डिजाइन है उसमें हमने बर्फी लगाई है, और यहाँ पर बर्फी लगाने से जो पंखे का डिजाइन है वो बहुत अच्छा लगता है। और जो बीच वाला डाउन किया है हमने 15 इंच का चारों साइड से, तो उसमें हमने डिब्बे लगाए हैं, जो डिब्बे बहुत ही अच्छे शानदार डिब्बे हैं। तो इन डिब्बों के साथ इस सीलिंग का जो डिजाइन है बहुत ही लेटेस्ट डिजाइन बन जाता है। तो जैसे कि अभी आप देख पा रहे हो, ये डिजाइन देखिए आप कितना सुंदर डिजाइन है। तो आप भी ऐसे अपने घर में ऐसा PVC सीलिंग का डिजाइन बनवा सकते हो। और अगर हम इस सीलिंग की कॉस्ट की बात करें तो जो ये सीलिंग है इसमें कॉस्ट अपनी 90 रुपये स्क्वायर फुट के हिसाब से आती है। तो इसमें लेबर मटेरियल इंक्लूडिंग सब कुछ रहता है। तो आप भी अपने घर पे काम करवा सकते हो। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे।